यस हेलो, आप देख सकते हैं इसमें 50 TR का पूरा चिलर है या पूरा ओपन बॉडी है उसका पतरा निकाल दिया है। ये बंद करने के बाद ऐसा दिखेगा, पीछे वाला जो बॉडी है हमारा सेम ऐसा चिलर दिखेगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंट्रोल पैनल है, डिजिटल डिस्प्ले इसमें दिया है हमने, ये पूरा अभी वर्किंग चल रहा है। सो ये पूरा HMI है, HMI PLC बेसिस है। सो ये HMI का पूरा पैनल है, आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल है पूरा। और चिलर में आप देख सकते हैं ये डुअल कंप्रेसर के साथ दिया है हमने। सो ये बिटजर की कंप्रेसर हमने यहाँ पे यूज़ किए, सिंगल कंप्रेसर, ये दूसरा कंप्रेसर है हमारा और उसी में दो शेरेन ट्यूब कंडेंसर है हमारे और अल्फा लेवल के ब्रेस PHE हमने इसमें यूज़ किए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अल्फा लेवल का PHE है और यहाँ पे और एक अल्फा लेवल का PHE है, ये ब्लैक वाला इंसुलेशन किया है यहाँ पे। सो ये ऑल सेफ्टीज़ के साथ हमने इसको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैकवॉश के लिए भी हमने सिस्टम यहाँ पे किया है, कंडेंसर क्लीन करने के लिए, कंडेंसर बहुत बार चोक होता है सो उसको हम लोग बैकवॉश के लिए ये दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लो स्विच लगाया है, ऑल सेफ्टीज़ है, यहाँ सबको प्रॉपर इंसुलेशन किया है। सो ये चिलर का डिस्पैच के टाइम हम लोग देख सकते हैं अभी इस टाइप का ये चिलर बनेगा। इसको पूरा पैनल क्लोज किया है। सो दूसरा वाला एक चिलर है हमारा, सो आप देख सकते हैं। सो ये 50 TR का चिलर है, पर आवर 5000 लीटर पर आवर मिल के यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, 5000 लीटर पर आवर के लिए इंस्टेंट चिलर बनाया है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आउटडोर के साथ भी हमने चिलर बनाया है और ये इंसुलेशन किया हुआ ग्लाइकॉल का टैंक है उसके साथ। यहाँ पे वैक्यूम चल रहा है, प्रॉपर वैक्यूम करते हैं हम लोग सिस्टम को 500 माइक्रोन तक। सो ये अल्फा चिल टेक्नोलॉजी का चिलर है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं।